नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी की नवीन कार्यकारिणी हुई गठित। शहर के सोंख रोड स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता का हुआ आयोजन। इस अवसर पर नवीन कार्यकारिणी पदाधिकारियों का सम्मान कर उनके मनोनयन की जिलाध्यक्ष ठाकुर अजीत सिंह द्वारा घोषणा की गई। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के नेता गुड्डू खान, शबनम कुरैशी, सीमा करण, विभिन्न सपा नेता मौजूद रहे। इस संदर्भ में वार्ता करते हुए सपा जिलाध्यक्ष ठाकुर अजीत सिंह ने बताया, देखिए कृष्णा गुप्ता के साथ। मैं बताना चाहता हूं, आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य हमारी समाजवादी पार्टी मथुरा जिले की कार्यकारिणी का अनुमोदन होकर के आया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश से हमने जो अपनी कार्यकारिणी भेजी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बड़ी कृपा हुई है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी से कहकर के प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारी कार्यकारिणी को अनुमोदन कर दिया है और स्वीकृत कर दिया है। आज आप लोगों के माध्यम से हमने अपनी कार्यकारिणी घोषित की है मीडिया के माध्यम से, मथुरा जिले की समाजवादी पार्टी की, और सभी पदाधिकारी जो बन के आए हैं, मनोनीत होके आए हैं, उनको सबको मनोनीत पत्र सौंपे गए हैं। कौन कौन है मनोनीत? और 61 की होती है हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी जिला कार्यकारिणी कमेटी जो होती है, वो 61 लोगों की होती है, 61 लोग पदाधिकारी होती है। तो मैं ये बता रहा हूँ। और दूसरा मेन उद्देश्य ये तो है ही, दूसरा उद्देश्य ये है कि लोकसभा चुनाव सिर पर है, उस लोकसभा चुनाव के को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश किया है कि PDA पखवाड़ा जनपंचायत का आयोजन जिले जिले में, ब्लॉक में, शहर में, विधानसभा में चल रहे हैं। तो मैंने अपने सभी पदाधिकारियों से कहा है कि आप अपने सभी गांवों में, ब्लॉकों में, नगरों में, शहरों में, गली गली में जाकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कि यहाँ तुम देख रहे हो कि वृंदावन में पूरे बरसाना गोवर्धन कितने भीड़ पर्यटक चटल हो जाते हैं, मर जाते हैं और गैरोस हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए कहीं कोई संसाधन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी झूठी सरकार है, झूठ बोलती है, ये कुछ नहीं करती, खाली मीडियाबाजी अखबारबाजी करती है। चलिएगा, कोई काम नहीं हो रहा जिले में। तो आपने जाना हमारे साथ रहे सपा जिलाध्यक्ष ठाकुर अजीत सिंह नेताजी, जिन्होंने एक और भाजपा पर जमकर साधा निशाना। तो वहीं उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगाती है योजनाओं को पलीता। अब देखना होगा कृष्ण की नगरी मथुरा को, यही डर्रा जारी रहता है या पलीता लग जाता है। हम क्या कहें ब्रज के लिए, यही कह सकते हैं कि सर्दी हो या गर्मी, ये तो कुदरत के बनाए हुए नज़ारे हुआ करते हैं। इससे धरा पर प्यासे तो वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हुआ करते हैं। मथुरा से कृष्णा गुप्ता। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।